पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दीपक जोशी पार्टी के लिए सबसे योग्य और समर्पित व्यक्ति हैं। हम सब उनके साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा और कहा कांग्रेस में सिर्फ दो ही नेता बचे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिसमें से कमलनाथ थके हुए और दिग्विजय सिंह पके हुए हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है, हिंदुओं का अपमान करना। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री भाजपा नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं। खुद दीपक जोशी ये बात कह चुके हैं कि 5 मई को पत्नी की बरसी के बाद वे कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जोशी के बीजेपी छोड़ने की खबरों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दीपक समर्पित व्यक्ति हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में भी रहे, वे योग्य व्यक्ति हैं। गृह मंत्री ने कहा, वट वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे कई लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक जोशी उनके पुत्र हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम सब उनके साथ हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जिसमें शिखर से शून्य तक सतत संपर्क बना रहता है। हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों को जनता ने दिल से स्वीकार किया है। वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, योग्य व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी भी और संगठन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो पेज प्रभारी तक जाके सबसे संपर्क करता है, संवाद करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे नड्डा जी, उन्होंने बूथ प्रभारियों का सम्मेलन किया। आप इससे अंदाज करो, शून्य से शिखर, शिखर से शून्य, दोनों लगातार जुड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में लिखा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं पर बेवकूफ नहीं। अब उनके इस ट्वीट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में दो ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, जिसमें एक पका हुआ है और एक थका हुआ, और ये सिर्फ हिंदुओं का अपमान करने के लिए ही बने। ये हमारे धर्म को हिंदू नहीं मानते हैं, ये ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं, ये जाकिर नाइक को शांति दूत कहने को हिंदू मानते हैं, आरएसएस को आतंकी संगठन कहने को हिंदू मानते हैं। अब कांग्रेस में ये दो ही नेता बचे, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई, एक कमलनाथ जी थक गए, एक पका हुआ है एक थका हुआ है, दो ही नेता बचे आज कांग्रेस के। और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छुपते ही नहीं, इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार हो, भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ, ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा को ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं, ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं, राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं, कि जाकिर नाइक को शांति दूत कहना उसको हिंदू मानते हैं, ये आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है उसकी तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदुत्व मानते हैं। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।